Hey, welcome class 5th. How are you all of you? Today I would like to show your English Intermediate course book of class 5th. These are the contents for you. Chapter number 1st, Bhag Prasad's Adventures. Written by Kanakmani Dixit. He is a Nepali writer. I would like to tell this story as short summary in Hindi language. So let's start. Bhakt Prasad naam ka ek young frog tha. और नेपाली भाषा में फ्रॉग को बोलते हैं भैयागुटू, जो कि नेपाल के काठमांडू एक जगह है, वहाँ रहता था. ठीक है, वहाँ किसके साथ रहता था? अपने बाबा माँ और भाई बहनों के साथ वहाँ पर रहता था. वो ठीक पास में रहता था स्तूप ऑफ बुद्धिस्ट टेम्पल के पास, बिल्कुल उसके पास रहता था. ऊंचे पर उसका घर था, एक राइज टेरेस, मतलब धान का खेत. और आपको पिक्चर में यहाँ दिख रहा होगा कि देखिए खेत कैसे हैं और ये फ्रॉग जी कहाँ बैठे हुए हैं. ठीक है ना, खेत, ये स्तूप ऑफ बुद्धिस्ट टेम्पल है और ये देखिए फ्रॉग हिल पर है, मतलब टॉप पर है, फ्रॉम द बुद्धिस्ट टेम्पल. और इसको यहाँ से क्या दिख रहा है? स्तूप ऑफ बुद्धिस्ट टेम्पल. ओके, अच्छा बच्चों, ये जो था भक्त प्रसाद, ये अपनी उम्र के बाकी मेढकों से बहुत ज़्यादा जिज्ञासु था. इसके अंदर हर चीज़ जानने की ज़्यादा बहुत तीव्र इच्छा होती थी, हर चीज़ जानने की. और इसको हमेशा लगता था मैं सब कुछ जान जाऊँ, मैं सब कुछ देख लूँ, जैसा आपको लगता है कि मैं ज़्यादा ज़्यादा पढ़ लूँ. अदर स्टूडेंट्स से मैं क्यूरियस पर्सन हूँ, ऐसा लगता है ना आपको? तो उस तरह से इसको भी लगता था. ठीक है, ये अपने ही घर पर, मतलब अपने ही उस टॉप हिल पर बैठ करके देखा करता था कि कुछ आदमी, कुछ औरतें या कुछ बच्चे आ जा रहे हैं एक सकरी सी गली से. और वो ये सोचता था कि कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं. बल्कि इसके अलावा और जो अदर फ्रॉक्स हुआ करते थे, उनको से कोई चिंता ही नहीं होती थी, मतलब कौन कहाँ आ रहा है, कौन कहाँ से जा रहा है, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता था. लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट था. और जो अदर होते थे फ्रॉक्स, उनका क्या था कि मतलब देखते रहे बैठे बैठे कीचड़ में सने कि कहाँ है इंसेक्ट या फिर कहीं स्नेक तो नहीं आ रहा है, उन्हें खा जाएगा, या फिर इंसेक्ट कोई आ जाए तो ये उसे खा ले. इस टाइप का, मतलब मडी वाटर में वैसे बैठे रहना, उसी में लोटते पोटते रहना. वॉलोइंग मीन्स बेटा लोटते पोटते रहना, जैसे कि किसी गंदी जगह या कीचड़ में लोटना, वॉलोइंग मीन्स लोट रहा होता है. सारे ही लोग इसके, मतलब और जो मेढक थे वो, उनका यही काम हुआ करता था. लेकिन इनका काम एक अलग था. भक्त प्रसाद थोड़ा डिफरेंट थे. ये बैठे बैठे एक दिन सोच गए, इन्होंने सोचा कि ठीक है मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊँ, मतलब कुछ समझ सकते हैं हम इस तरीके से कि एक मेढक छोटा होता है तब, जैसे नहीं पक्षी होते हैं तो पक्षी के पर निकल जाए, वैसे ही मेढक के एक तरीके से मान ले कि दुम या पूंछ, वो जब तक नहीं जाती तब तक वो अपने आप पर निर्भर नहीं हो पाते हैं. तो ये चीज़ इसमें है वो. लेकिन फिर भी इतना जिज्ञासु था तो वो एक चौथरा जगह है वहाँ से बैठे बैठे अपने उस के हिसाब से अपने को आपको वहाँ बैठे बैठे वहाँ से देखते देखते सब कुछ सीखता रहता था. लोग क्या गॉसिप करते हैं, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं शहर में, और वो लोग किस किस बारे में बात किया करते हैं, ये सब जानता रहता था. एक दिन इसके मन में हुआ कि अब मैं भी वर्ड देखूंगा, वर्ड इज़ अ पिक्चर ऑफ द वर्ड, मैं भी वर्ड जानूंगा कि वर्ड कैसा है. लेकिन अदर जो मेढक होते थे उनके लिए इछांगू एक ये जगह है जहाँ ये रहता है, वही उनके लिए सिटी है, वही उनका सब कुछ है. जैसा जितनी जगह वो रहते हैं वही उनका संसार है. लेकिन इसको पता था कि संसार इतना ही बड़ा नहीं है, संसार और भी बड़ा है. तो क्या हुआ ना कि इसने अपना जब ये थोड़ा बड़ा हो गया, मतलब इसके जब वो टेल डिस्पेयर्ड हो गई, तब इसने ना भक्त प्रसाद एकदम शॉक्ड हो गया और गया. अपना डिसीजन उसने किसको बताया?
अपने फैमिली मेम्बर्स को बताया कि मैं ना अपना अब घर छोड़ रहा हूँ, तो सब लोगों ने पूछा, सब लोग बड़ा शॉक्ड हो गए, सबको इसने शॉक्ड कर दिया, क्यों घर छोड़ रहे हो? तो इसने बोला क्योंकि मैं जाना चाहता हूँ बाहर और देखना चाहता हूँ कि दुनिया कैसी है, काठमांडू घूमना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस लाइफ बियॉन्ड दिस फील्ड, मैं इस फील्ड के बाहर भी रहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सी दिस सिटी, मैं सिटी देखना चाहता हूँ, वेयर पीपल लिव, जहाँ लोग रहते हैं, आई वॉन्ट टू गो टू द तराई विच इज़ सो फ्लैट दैट यू कैन होप फॉर एवर विदाउट फीलिंग टायर्ड, मैं वो सारी जगह देखना चाहता हूँ। एक तराई ऐसी जगह है जो इतनी फ्लैट है कि वहाँ कोई थकता ही नहीं है। उसकी सोच ये थी, उसका ऐसा लगता था। दे से द सन सेट्स ऑन द हॉरिजॉन रेदर देन द हिल स्टाइल, और ये जो ना सूर्य हमें दिखता है हॉरिजॉन स्टाइल में, ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है, मैं ये देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी वाइड रिवर्स, मैं चौड़ी नदियाँ और विचित्र और दुनिया में जो क्रिएचर्स हैं, जीव जंतु हैं, और पठार, मैदान और ग्रेट माउंटेन्स देखना चाहता हूँ, इसने बताया। एवरी वन स्टार्टेड एट हिम विथ देयर आइज वाइड ओपन, और सब उसको देख रहे थे ऐसे करके कि ये क्या बोल रहा है भाई। बुद्ध प्रसाद मतलब हर ग्रैंड फादर सॉरी बुद्ध प्रसाद हिज ग्रैंड फादर बुद्ध प्रसाद ने ना समझा, किसको? भक्त प्रसाद को, उसकी इच्छा को समझा, क्योंकि कुछ दिनों पहले या कुछ सालों पहले उनकी भी यही इच्छा थी, लेकिन वो इस काम को पूरा नहीं कर सके। अब जब वो इस काम को पूरा नहीं कर सके तो उन्होंने सोचा कि पता नहीं भक्त प्रसाद इस काम को कर पाएगा कि नहीं, मेरी तरह से सोचता तो रहा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मतलब उन्हीं जैसे कि हम लोगों के ना पेरेंट्स हम लोगों बारे में फिक्र पेरेंट फिक्र करते हैं हमारी, तो वैसे ही भक्त प्रसाद के गार्जियन उसकी फिक्र कर रहे थे। बिसाइड्स थॉट बुद्धि प्रसाद मतलब उनके बाबा किसके? भक्त प्रसाद के। कहने लगे कि चलो अब इसने अपना फैसला सुना ही लिया, और ये यंग भी है और स्ट्रांग भी है, मेरे से स्ट्रांग भी, मैं उस टाइम जब मैं ये सोचता था तो मैं इतना स्ट्रांग नहीं था, अब ये स्ट्रांग भी है मुझसे, और ठीक है, भक्त प्रसाद हैज मेड अप हिज माइंड, और उसने अपना माइंड बना लिया तो उसे कोई रोक नहीं सकता। ओके ही टर्न टू आर्मी ऑफ वॉरिड फ्रॉक्स एंड सैड, जो बाकी लोग चिंतित फ्रॉक थे उसके घर वाले या उसको जानने वाले, उनकी तरफ वो मुड़े, कौन? उसके बाबा, भक्त प्रसाद के बाबा, और कहने लगे कि हमें इसको जाने देना चाहिए, ये वर्ल्ड देखना चाहता है और ये हमारे लिए लौटेगा टू टेल अस ऑल अबाउट हिज एडवेंचर्स, और ये बाकी चीज़ें अपनी आकर मुझे बताएगा, हम लोगों को बताएगा। सो भक्त प्रसाद टुक द ब्लेसिंग ऑफ हिज एल्डर, तो भक्त प्रसाद इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने क्या किया, आशीर्वाद लिया बड़ों का। उसके बाद इससे पहले कि उसकी माँ आकर के उससे आर्ग्यू करती और उसके पिताजी, वो मतलब उसने सोचा बड़ी मुश्किल से तो मुझे इजाज़त मिली है, और फटाफट वो उसने वहाँ से विदाई ले ली। ठीक है, और बहुत तेज चिल्लाए थैंक, मन मतलब उतरता जा रहा है अपने टॉप हिल से और मन में कहता जा रहा रिवर्स तो नहीं करना है, वापस देखना भी नहीं है उसको, लेकिन मन में अपने बाबा को कह रहा है कि मतलब थैंक यू बाबा। और ऐसे करते करते वो आ गया बॉटम ऑफ द स्लोप एंड द स्ट्रिप ऑफ द टैरमैक ही न्यू वॉज रिंग रोड। बेटा टैरमैक मतलब एक रोड होती है जो कि ब्लैक कलर का रोड होता है, वो तार बोलो ब्लैक, मैं बताती हूँ एक सेकेंड, यहाँ पे दिया है बेटा देखो, द वर्ड टैरमैक मीन्स द ब्लैक लेयर ऑफ द तार एंड स्मॉल स्टोन्स यूज एज द अपर मोस्ट लेयर टू कवर रोड्स, तार कवर्ड रोड्स आर ऑल्सो कॉल्ड मैकेडमाइज रोड। ओके, तो ये एक इंजीनियर थे जॉन मैकेडम, स्कॉटिश इंजीनियर थे, तो इन्होंने इसके बारे में बताया है कि एक ब्लैक लेयर ऑफ द रोड होती है, जो हम लोग रोड देखते हैं ना, ये रोड को ही बोल रहा है टैरमैक। ठीक है, रिंग रोड, जो कि ये पहले से ही जानता था, वे सर्कल काठमांडू टाउन, इसको ये पता था कि वो काठमांडू टाउन के आसपास है। हम टेक वन लास्ट लुक अप द टेरेस ऑफ द चांकू, और उसने एक लास्ट लुक देखा
अपनी उस जगह को, उस टेरेस को, टेरेसेस को, ही टर्न एंड कंटिन्यू हॉपिंग डाउन द रोड, और वो बहुत जल्दी से फिर अपने गंतव्य पर निकल चुका। क्या हुआ, वो सोचा कि मैं चलते 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 वो थक गया था बहुत ज़्यादा। फिर उसको लगा, याद आया कि लोग वहाँ जो निकला करते थे तो वो बोलते थे कि एक बस होती है, कार होती है, तो मुझे बस करनी पड़ेगी। उसने बस किया और देखते ही एक तुरंत बस आ गई। बस किया, बस से उसने बोला बस कंडक्टर से कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। तो बस कंडक्टर ने उसको मना किया, पहले तो रिफ्यूज़ किया, क्योंकि बैंक मैनेजर, वो जो सॉरी जनरल मैनेजर था उस कंपनी का, वो नहीं चाहता था, वो नहीं पसंद करता था फ्रॉग, टोड्स, वॉर्म, स्नैक्स, रेट्स, ATC को। तो लेकिन, और इसने, कंडक्टर ने बोल दिया कि मैं तुमको अपने साथ कंपनी नहीं लेकर जा सकता हूँ। लेकिन मुँह बनाते हुए, वी ओनली गो टू रत्न पार्क इन द सेंटर ऑफ द टाउन, उसने मुंह बनाते हुए बस इतना बोला। फेस अपना बड़ा अजीब सा, जब मन नहीं होता हमारा तो हम मुंह नहीं बना लेते उस टाइप का। इसने मुंह बनाते हुए कहा कि हम सिर्फ रत्न पार्क तक ही जाएंगे। तो इसने कहा ओके हुजूर, मैं चल सकता हूँ अब। ये इसने हजूर बोल दिया। इस बात से कंडक्टर बहुत मतलब इससे खुश हो गया, कहने लगा, मतलब मन में सोचा आज तक मुझे कभी इतना रिस्पेक्टफुली किसी ने नहीं बात की, हमेशा पैसेंजर लड़ाई ही करते हैं और मेरे से हमेशा आर्ग्यूमेंट ही करते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा प्यार से बात कर रहा है, हुजूर कह रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है। तो उसने कहा ओके ओके जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी चढ़ो भैया। वो बैठ गया अपनी बस में, बैठ गया। ऐसे चलते चलते उसने देखा क्या, सेंटर ऑफ द सिटी वो पहुँच गया। वहाँ पे वो देख रहा था, पहले तो बस से बैठे बैठे देखता रहा वो कि कैसा शहर है, कहाँ कहाँ गए, सब उसने देखा। इसकी समरी मुझे शॉर्ट में बतानी है, टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए। पहुँच गया वो सेंटर ऑफ द सिटी एट लास्ट। वहाँ देखते ही बस में बैठे बैठे देख रहा है, अरे बापरे मैं तो इसके नीचे जैसे ही पैर रखूँगा तो मैं शायद कुचल जाऊँगा, ये तो मेरा बहुत ख़राब अनुभव है, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, उसने सोचा मैं नीचे नहीं जाऊँगा, मैं मतलब नीचे बस के नीचे कदम नहीं रखूँगा। फिर उसके बाद उसको एकदम से क्या हुआ, सोच ही रहा था कि बगल से क्या हुआ कि एक कुली निकला जो कि कुछ मैंगो कुछ फ्रूट्स लेकर जा रहा था, और वो बिल्कुल मतलब नियर बाय द विंडोज ऑफ द बस, बस के एकदम पास में आ गया। तुरंत ही उसने सोचा कि ये अच्छा मौका है, उसने तुरंत ठुमका लगाते हुए छलांग लगाई और उसके मैंगोज पर जाकर बैठ गया। ठीक है, एक स्ट्रेंजर था, उसके मैंगोज पर बैठ गया। फिर बैठ कर उसके बास्केट पे क्या बोलते हैं, थैंक यू हजूर, और बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड था और उसके पास ये बहुत अच्छा चाह रहा था। अगर वो नीचे ज़मीन में पैर रखता, इतना शोर गुल भरा शहर, और उसके बाद हो सकता है उसके साथ अच्छा ना होता। तो उसने क्या किया कि वो उस टोकरी वाले के पास चला गया, टोकरी में बैठकर आराम से वो पूरा शहर उसने देखा और खुशी खुशी अपने घर को गया। तो इससे क्या होता है कि हम जिस बात को करने की अगर मन में ठान ले तो रास्ता भी खुद ब खुद मिल जाता है ना। तो देखो ना, ये एक मेढक था और इसने कभी सोचा होगा, और सोचकर उसको इसने साबित भी कर लिया, और सीरियसली उसने बड़ा दिमाग से भी काम किया। ऐसे ही आप लोग भी अच्छे से पढ़ो और अच्छे से आगे बढ़ो। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।